ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसी तरह से हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, और इसी तरह हमारे साथ है दूसरी टर्म 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखें 2x³ है, यहाँ पे भी 2x³ है, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 1 के साथ। 2x³ 1 ज़ा 2x³ आ जाएगा, सिंपल है। अब हम देखें 2x³ 1 ज़ा 2x³ आ गया, 2x² आ गया, x आ गया, 1 आ गया, सारी टर्म्स लिख देंगे। फिर आप क्या करोगे, प्लस माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यानी आपको पता है ना, माइनस करने से साइन चेंज हो जाता है। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, जो रह जाएंगी उनको प्लस माइनस जो भी वो बनता होगा वो कर देंगे। जैसे -2x² -2x² क्या बन जाएगा, -4x² -1 क्या बन जाएगा, -2। अब देखें, जब -2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम -2 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब -2 कॉमन आया, यहाँ पे बच जाएगा 2x² और यहाँ आ जाएगा माइनस, बाहर लेने से ये बन जाएगा प्लस, और 2 अंदर 2, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखें 2x² प्लस 1, इस टर्म को हम बाहर रख देंगे, और ये जो टर्म है जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हम अंदर रख देंगे। अब देखें, यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे है 2x³, तो मुझे 2x² को ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2x² की जगह 2x³ आ जाए। सो 2x² इंटू एक्स करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये देखें, अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2x² प्लस 1, और यहाँ पे भी 2x² प्लस 1 है, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 1, साइन चेंज करेंगे, एक प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। और ये जो टर्म है 2x² प्लस 1, दिस इज HCF। नाउ वी विल फाइंड द LCM, एंड द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द LCM इज L इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई, सॉरी, A मल्टीप्लाइड विद B डिवाइडेड बाय H। LCM इज इक्वल्स टू, कैसे आएगा, A और B को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें H के साथ। अभी हम देखें, अभी हम लोगों ने जब HCF फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम 2x² प्लस 1 को डिवाइड किया था 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो हम उसको जो भी हमारा आंसर आएगा, हम ये देखें, ये भी किया था, और इसको करने से हमारे पास बचा था x+1, तो हम हमारे पास आ जाएगा x+1, वो हम लोगों ने लिख दिया, ये हमारे पास आ गया x+1। अब इस x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 2x² 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। नाउ यू कैन सी कि इसका क्या तरीका, पहले हम फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, उस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 1 को लेंगे, उसको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एरोज लगाए हुए, 1 को मल्टी सॉरी एक्स को मल्टीप्लाई किया, 2x⁴ बन गया, एक्स को 2x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x³ बन गया, एक्स को एक्स के साथ किया, x² आ गया, 1 के साथ किया तो एक्स आ गया। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि आंसर सेम ही रहता है, जो टर्म ये थी वो यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो भी टर्म्स आपस में कैंसल आउट होती हैं, आप उनको पहले कैंसल आउट कर दोगे, प्लस माइनस, जैसे प्लस एक्स है माइनस एक्स, प्लस 2x³ माइनस 2x³, ये कैंसल आउट हो जाएंगी, और जो टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी, दैट विल बी आर LCM, और ये हमारा LCM होगा जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।